दोस्तों, संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद तरह तरह के बयान वो दे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अभी इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिस पर बवाल मच गया। लेकिन संजय राउत के लिए ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि पहले ही राउंड में दावा पंचर हो गया, दावे की हवा निकल गई और ये करने वाला कोई और नहीं था बल्कि संजय राउत का बेहद करीबी, राउत का करीबी दोस्त है जिसने संजय राउत को झूठा साबित कर दिया। तो क्या थी संजय राउत की वो अनोखी कोशिश जिसे गंदी कोशिश कहा जा रहा है और कैसे संजय राउत के दोस्त ने ही कर दिया उनका पर्दाफाश, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल से बाहर हैं, उनके हालात, उनके बयानात लेकिन ऐसे हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो फिर से जेल की हवा खा सकते हैं। लगातार संजय राउत कुछ न कुछ बोलकर सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ संजय राउत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सियासी गोलबंदी तक कर रहे हैं। अभी इस बीच संजय राउत ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि 2024 में एक बार फिर से MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी शिवसेना कांग्रेस NCP की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में फिर से MVA का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस बात को कई लोगों ने इसीलिए भी इग्नोर कर दिया क्योंकि संजय राउत पहले भी इस तरह का बड़बोलापन दिखाते रहे हैं और बड़बोलेपन में ही ये बात बोल दी होगी। लेकिन इसके बाद जो संजय राउत ने बोला उस पर तो तहलका मच गया, सियासी बवाल हो गया। जी हाँ, संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, राउत ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिरने वाली है, सरकार ढहने वाली है और शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे यानी कि तय समय से पहले मध्यवर्ती चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी जो कि MVA की सरकार होगी। अब इस बयान के बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी बवाल आ गया क्योंकि राउत ने बात भी ऐसी कही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि राउत को कुछ न कुछ ऐसा मिला होगा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर MVA के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा या हो सकता है कि शिवसेना के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन राउत के दावों की, राउत के इस बयान की उनके ही करीबी, उनके ही दोस्त और घर जैसे माने जाने वाले शख्स ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया और वो थे पूर्व मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। जी हाँ, संजय राउत और शरद पवार में कितनी करीबी है, अजीत पवार के साथ राउत की कितनी करीबी दोस्ती है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अजीत पवार से जब संजय राउत के इस दावे पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने एक झटके में संजय राउत को उनकी बात को काट दिया, खारिज कर दिया और राउत को झूठा साबित कर दिया। अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास 155 से ज्यादा विधायक हैं और उनकी सरकार स्टेबल, पूरी तरह से स्थिर है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरने जा रही और मध्यवर्ती चुनाव यानी कि समय से पहले चुनाव का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है और ये बात अजीत पवार ने कही। जी हाँ, संजय राउत के बेहद करीबी दोस्त अजीत पवार ने संजय राउत की बातों की, संजय राउत के दावों की हवा निकाल दी, बातों की पोल खोल दी और पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया कि राउत सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं, सियासी गोलबंदी के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई डेवलपमेंट मुंबई में आसपास भी नहीं हुआ है, ये अजीत पवार का कहना है। यानी कि एक तरह से संजय राउत उसी फ्रेम में आते दिख रहे हैं जो कि जेल जाने से पहले हुआ करते थे क्योंकि तब संजय राउत कभी भी किसी को भी लेकर कुछ भी बोल देते थे मगर जेल से आने के बाद कुछ संभले थे। लेकिन अब एक बार फिर वही अंदाज दिख रहा है, वही बात दिख रही है। लेकिन अभी तो शरद पवार के भतीजे ने ही संजय राउत की बोलती बंद कर दी और बता दिया और एक तरह से समझा दिया कि तुम बड़बोले थे और बड़बोले ही रहोगे क्योंकि खुद उनके ही करीबी ने उनकी बोलती बंद कर दी, उनका पर्दाफाश कर दिया और उनकी बातों को झूठा साबित कर दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई संजय राउत की बात में दम है या फिर अजीत पवार ने बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा कि संजय राउत की बातों में कोई दम नहीं है, आपका क्या मानना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर ही रहना चाहते हैं, अब दोबारा जेल जाना नहीं चाहते हैं और इसके लिए राउत कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक भूचाल तो आ गया
जल्दी दूसरा भूचाल भी आ सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस बीच अचानक संजय राउत दिल्ली पहुंच गए। जी हाँ, रातों रात संजय राउत दिल्ली पहुंचे। रातों रात इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि शाम तक संजय राउत मुंबई में ही थे, लेकिन अचानक देर रात दिल्ली के एयरपोर्ट पर संजय राउत को स्पॉट किया गया, फिर वहां से वो गाड़ी में बैठकर चले गए। अब कहानी यह है कि दिल्ली में संजय राउत ने कुछ मुलाकातें भी की हैं, जिन्हें सीक्रेट मुलाकात कहा जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि संजय राउत खुद को जेल जाने से बचाने के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं। असल में गुजरात चुनाव को लेकर सोमवार की देर रात तक अमित शाह अहमदाबाद में थे, और फिर उसके बाद देर रात ही अमित शाह भी दिल्ली लौटे, और इसी दौरान संजय राउत भी दिल्ली में स्पॉट हुए। जी हाँ, दिन भर संजय राउत दिल्ली में थे, वहीं दिन भर अमित शाह अहमदाबाद में थे, लेकिन रात को दिल्ली संजय राउत पहुंचे, और वो भी उसी वक्त के आसपास जबकि अमित शाह पहुंचे थे, और इसीलिए कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बाद संजय राउत की कुछ सीक्रेट मुलाकात हुई और कुछ लोगों से उनकी बात हुई है, और माना यह जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं से ये बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, और हो सकता है कि जेल ना जाना पड़े इसके लिए बातचीत हुई हो, लाइजनिंग हुई हो। साथ ही साथ कहानी ये भी है कि सुबह सुबह फिर से संजय राउत वापस मुंबई पहुंच गए, बयान भी जारी कर दिया। मंगलवार की सुबह सुबह संजय राउत ने बयान जारी किया कि वो जल्द से जल्द बहुत कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जेल के दौरान लिखी किताब के जरिए ये खुलासे होंगे। जी हाँ, संजय राउत जो जेल के अंदर किताब लिख रहे थे उसे पब्लिश कराने की तैयारी हो चुकी है, और इस किताब में राउत कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। इसके सीधे सीधे संकेत यह कहें कि सीधी बात खुद संजय राउत ने ही कही है। अब किताब में बड़ी बात क्या हो सकती है वो भी देखिए। तो उनके यानी कि संजय राउत के खिलाफ किसने गवाही दी, किसने बात की, और किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, किसने उनके विरोधियों से हाथ मिला लिया, ये सारी की सारी बातें, और साथ ही साथ जेल में कैसे हालात थे, कितनी बार तबीयत खराब हुई, जेल का खाना कैसा था, जेल में पर्स में सोना कैसा था, ये सब कुछ संजय राउत जल्दी जेल में लिखी किताब की शक्ल में जारी करने वाले हैं, और उसका खुद ऐलान किया, और माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये किताब जारी हो सकती है, और इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब संजय राउत की इस किताब से, इन खुलासों से मुंबई की सियासत में भूचाल आ सकते हैं, मुंबई की सियासत गर्मा सकती है, मुंबई में नया बवाल हो सकता है, जिससे मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासत में कुछ नया बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीक्रेट मुलाकात के बाद ही संजय राउत ने किताब इतनी जल्दी लाने का प्लान किया होगा, या फिर प्लान कुछ और ही है, क्या हो सकता है यहाँ पर शातिर प्लान? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।